खाद्य सुरक्षा विभाग पौड़ी की ओर से होली के अवसर पर विशेष अभियान के तहत जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से खाद्य पदार्थों के 72 सैंपल लिए गए थे, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया था। सैंपलों में से 35 की रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हुई है, जिसमें 34 सैंपल की रिपोर्ट मानकों के अनुसार सही पाई गई है, जबकि एक सैंपल फेल हो गया है। विभाग को अभी 37 सैंपलों की रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं जिला अभिहित अधिकारी AS रावत ने बताया कि कोटद्वार नगर निगम के अंतर्गत एक व्यवसायी की दुकान से लिया मावे का सैंपल फेल होने पर संबंधित व्यवसायी को नोटिस जारी कर 40 दिनों के भीतर दोबारा सैंपल की जांच कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। 34 नमूनों में किसी भी प्रकार की मिलावट या खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का पालन किया गया है। एक नमूना मावे का है जो कोटद्वार क्षेत्र से लिया गया है, वो सब स्टैंडर्ड निकला है, उसमें स्टार्च की मात्रा पाई गई है, जबकि मावे में स्टार्च की मात्रा अनुपस्थित होनी चाहिए। उसमें हम अभी 46-4 की कार्रवाई कर रहे हैं। विक्रेता को एक बार पुनः और मौका दिया जाएगा वो अपने नमूने की जांच करने के लिए। न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के लिए पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुद्दे, रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक, और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा। देवभूमि के बारे में देवभूमि के वासियों के साथ सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।